नेशनल टीवी पे प्रपोज करने की बात पर राकेश बापट ने तोड़ी चुप्पी। अपनी शादी को लेकर कही राकेश ने बड़ी बात। अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर दिया एक बड़ा स्टेटमेंट। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। बिग बॉस में अब तक जहां कई कंटेस्टेंट्स ने नेशनल टेलीविजन पर इजहार इश्क किया, वहीं राकेश बापट का कहना है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। राकेश बापट इस वक्त शमिता शेट्टी को डेट कर रहे हैं। दोनों बिग बॉस ओटीटी में एक दूसरे के करीब आए थे। ओटीटी वाले सीजन के बाद जहां शमिता बिग बॉस 15 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हो गई थी, वहीं राकेश ने हाल ही में शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के रूप में एंट्री मारी। बिग बॉस 15 में एंट्री करने से पहले राकेश बापट ने एक इंटरव्यू में शमिता संग अपने रिलेशनशिप से लेकर गेम प्लान को लेकर बात की। राकेश ने कहा कि वो शमिता को शादी के लिए नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह बताई। राकेश ने कहा, मैं और शमिता शो में एक कपल के रूप में रहेंगे, लेकिन साथ ही अपना अपना गेम खेलेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। जहां तक ईशान और मायशा की बात है तो उनका पीडीए और रोमांस ऑर्गेनिक नहीं लगता है। मेरे और शमिता के बीच में कुछ भी जबरदस्ती नहीं था। मैं किसी को भी अपना मुंह और लगाव किसी को यूं भी नहीं दिखाना चाहता। शमिता और मैं बहुत प्राइवेट लोग हैं। जानते हैं नेशनल टेलीविजन पर पब्लिक को कितना दिखाना है। मैं शमिता को शादी के लिए नेशनल टीवी पर कभी प्रपोज नहीं करूंगा। ये एक बहुत ही प्राइवेट इमोशन है, पर जब भी होगा शो पर नहीं होगा, शो के बाहर होगा। ये हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा। वेल, क्या है इस खबर पर आपकी राय, कैसी लगती है शमिता और राकेश की जोड़ी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस 15 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।